हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की कंडीशन और ये कोरोना वायरस की वजह से कोई भी बैचेस स्टार्ट नहीं हो पा रहे और स्टडी का काफ़ी ज़्यादा लॉस चल रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और दूसरा बैच ज्वाइन करते हुए सभी थोड़ा रिस्क फील कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं मेरे क्लास 11 और 12 सीबीएसई अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9528554482, आप इस पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाय जूम या व्हाट्सएप क्लासेस, व्हाट्सएप वीडियो चैट के अकॉर्डिंग आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, टोटल डिटेलिंग इसी तरीके से दी जाएगी जैसे फेस टू फेस क्लासेस चलती हैं। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, क्लास 11 का जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उनके बारे में बात चल रही थी, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर में बी डिफाइंड एज मनी स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर फॉर सम बेनिफिट सर्विस और रिसीविंग प्रॉपर्टी। देखिए, बिजनेस में आप कोई पैसा खर्च करते हैं या कोई लाइबिलिटी इनकर करते हैं बिजनेस के बेनिफिट के लिए, सर्विस या रिसीव करने के लिए प्रॉपर्टी। सब एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कि आप पेमेंट करते हैं रेंट का, सैलरी परचेस करते हैं, गुड्स परचेस करते हैं, मशीनरी या परचेस करते हैं फर्नीचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपके यहाँ पर टू टाइप हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, सिंपली अगर लैंग्वेज में बोला जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब आप फिक्स एसेट्स परचेस करते हो, दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स लाइक बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर आर रेफर टू एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आर शोन इन द बैलेंस शीट एज रिजर्व एसेट्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन द करंट ईयर। देखिए, वो खर्चा जो आपने करंट ईयर में इनकर किया वो उसका बेनिफिट भी आपको इसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। तो इस तरह का जो दीज एक्सपेंडिचर डू नॉट रिजल्ट इन द इनकम ऑफ द फर्म, ये जरूरी नहीं है कि इनकम हो। ऑल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर टर्म एज एक्सपेंस। क्लियर हुई आप सभी को इतनी बात? तो देखिए, यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के बारे में बात हो चुकी है। अब आगे देखते हैं गेन। देखिए, प्रॉफिट डेट अराइज, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस इज टर्म्ड एज गेन। यानी कि आपका बिजनेस का मेन वर्क नहीं था, इंसिडेंटली कोई बिजनेस में गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसी को गेन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, कि आपने कोई फिक्स एसेट सेल करी या आपने कोई विनिंग करा कोई कोर्ट केस या आपको एप्रिसिएशन हुआ वैल्यू में फिक्स एसेट्स की। आपकी कोई जमीन पड़ी थी 1 लाख की थी, 1,20,000 की हो गई, एप्रिसिएशन हो गया, तो इट्स कॉल्ड गेन। दिस प्रॉफिट आर ऑफ अ इररेगुलर नॉन रिकरिंग इन नेचर। सही बात है, इररेगुलर होते हैं, रेगुलरली कभी नहीं आता ऐसा प्रॉफिट, इररेगुलर नेचर का होता है और ये पार्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट का, यानी कि आपका एसेट से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग थी 10 लाख की, आपने सोल्ड कर दी 12 लाख में, तो आपका 2 लाख का क्या हुआ? गेन। प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? गेन। क्लियर? इनकम, इनकम इज द प्रॉफिट, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। देखिए, बात ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गुड्स है, 30,000 का कॉस्टिंग है उसको, उतने का खरीदा था आपने, उसको बेचा 42,000 में, तो ये जो 30,000 है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 30,000 एक्सपेंस होगा और जो आपने सेल किया गुड्स 42,000 में, ये रिवेन्यू कहला जाएगा। और जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का, यानी कि रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी कि 42,000 माइनस 30,000, 12,000 जो आया उसको बोला जाएगा इनकम। क्लियर इतनी सभी को बातें? इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, इनकम मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। देखिए, एक्रूड इनकम क्या होता है? एक्रूड इनकम बड़े ध्यान से समझिएगा, इट रेफर टू डेट पार्ट ऑफ इनकम विच हैज बीन अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। देखिए, बात को समझिएगा, कमाना और पैसा रिसीव होना दोनों के दोनों डिफरेंट थिंग है, बट हैज नॉट येट बिकम ड्यू एंड देयर फॉर नॉट येट रिसीव्ड, इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट्स फॉर द फर्म। देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल से एक्रूड इनकम को बड़े ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, बैचेस ज्वाइन किए हैं आप सभी ने, आप आ रहे हो मेरे पास, 1 मंथ कंप्लीट हो गया। जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट हो गया, भाई मैंने तो वो एक
महीने का जो फी था वो तो अर्न कर लिया ना, वो बात अलग है कि अभी आपने मेरे को फी पे नहीं करी तो मेरे लिए ये इनकम कहलाई जाएगी एक्रूड इनकम, बिकॉज मैंने अर्न तो कर ली है बट रिसीव नहीं हुई है, इट्स कॉल्ड एक्रूड इनकम। मेरे लिए क्या बन जाएगी? एसेट्स, बिकॉज मेरा राइट है, मैं आपसे फीस मांग सकता हूँ और आपको देनी भी पड़ेगी, इस तरह की चीजें। फिर आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसको किस तरीके से समझिए जरा, इट रेफर टू दैट द पार्ट ऑफ इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड बाय द बिजनेस वेल इन एडवांस और बिफोर बीइंग एक्चुअली अर्न, इट इज लायबिलिटी फॉर द फर्म। आप मेरे पास ट्यूशन के लिए आए, आपने मेरे से बात करी और आपने ट्यूशन ज्वाइन करने से पहले ही मेरे को 1 month का फी पे कर दी। अब वो जो 1 month की फी आपने मेरे को पे करी है, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, मैंने अर्न नहीं करी है, आप मेरे पास एक भी दिन नहीं आए हैं, तो एक तरीके का एडवांस पेमेंट, यानी कि वो पैसा जो अर्न नहीं हुआ है बट रिसीव हो गया इन एडवांस, इट्स कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। और ये आपकी क्या होती है? फर्म की लायबिलिटी, बिकॉज मेरे लिए तो पैसा लायबिलिटी है ना। सपोज करो आपका मन चेंज हो गया कि नहीं मेरे को नहीं पढ़ना है अभी, तो मेरे को पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। बात आती है प्रॉफिट की। देखिए प्रॉफिट के बारे में बात क्या होती है, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू, यानी कि रिवेन्यू का वो पार्ट जो आपका ज्यादा है किससे? एक्सपेंस से, कहलाया जाता है प्रॉफिट। व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट वी कम अक्रॉस टू टाइप ऑफ प्रॉफिट। सही बात है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम दो टाइप का प्रॉफिट आता है, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस होता है सेल रिवेन्यू और जो आपने गुड्स या सर्विसेज बेची है उनके ऊपर जो खर्चा किया है, उनको जो खरीदने का खर्चा है उसमें से हम बेचने वाला माइनस करके जो निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। सपोज कीजिए अभी जैसे पीछे गुड्स आया था एक 42,000 का, 30,000 का खरीदा था, 42 में बेचने, तो वो जो 12,000 आया उसी को क्या बोला जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका आता है बाकी जितने भी अदर खर्चे हैं ना आपके बिजनेस में, जो बिजनेस को रन करने के लिए किए जा रहे हैं उनको माइनस करके जीपी में से जो प्रॉफिट बचेगा इट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट, ठीक। लॉस, अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है रेवेन्यू कम है तो भैया लॉस आ जाएगा और इससे ओनर इक्विटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस कैपिटल में प्लस माइनस किए जाते हैं, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा, लॉस कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू 2 lakh, एक्सपेंस 240, तो 40,000 का क्या आ जाएगा आपका लॉस। बात आती है परचेज के बारे में। देखिए एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, परचेज का नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्लासेस अच्छी लगती हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है तो प्लीज कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए मेरे को, ठीक है। थैंक यू सो मच।